देखो एबीपी साझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे। गल है कि कांग्रेस जी है ना वह सीरियसली नॉन सीरियस है। ये भी एक गायक हो गया, एक नाचा हो गया, एक मरासी हो गया, ठीक है ना। ये कांग्रेस का जरा इन्होंने बंटाधार करना ही करना है। सो तुम कदों तू तू मैं हो जानी है, कदों कदों उन्होंने आपस लड़ पैना, ये कोई कुछ नहीं कह सकता। जिस तरह सिद्धू मूसेवाला से बहुत सारे इल्जाम ने, उन्हें तो एक गन कल्चर के इल्जाम लगते हैं, आर्म एक्ट के तहत पर्चे भी दर्ज हुए। बिल्कुल जी, इस तरह के बंदे लियाओगे तो गन कल्चर जो है वो बढ़ावा तो मिलता ही है, क्योंकि राजनीति के बंदे हो लियाओ जिन्हों के अक्स साफ होवे, लोग भी अट्रैक्ट हो। रादर यह है कि भी हूँ तो खतरा बनया होगा कि भाई उतो वापस आईए कि ना आना। दूजे पास जेकर गल करी जाए तो एक दल बदली का दौर शुरू हो गया, बहुत सारे लोग कांग्रेस छड के आप जा रहे हैं, देखो इस तरह के कांग्रेस निगार आ रहा, इसलिए लोग छड़ के जा रहे हैं। तो जिहड़ा स्टाफ आ रहा है वो मतलब वर्स तो वर्स्ट आ रहा है, तो इस तरह जिहड़ा है आम आदमी पार्टी का भी उन्होंने भी छड़ के जा रहे हैं। जिहड़ा फर्दर इनफ्लक्स हो रहा वो भी बहुत ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो जित तक तल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी च जिहड़ा है फिर भी काफ़ी स्तर है, लोग जिहड़े हैगे है, जिहड़े भी लोग आंदे पे है, वो जिहड़ियां अनीतियां जिहड़ियां चलदियां पईयां कांग्रेस दे विच आम आदमी पार्टी दे विच उन्हूं छड्ड के बीजेपी नूं ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और आने वाले समय दे विच भारतीय जनता पार्टी पंजाब सरकार बनाएगी। जिस तरह मनजिंदर सिंह सिरसा ने बीजेपी ज्वाइन की, किस तरह देखते हो? विरोधी कह रहे हैं कहते जी दबाव पाया गया, बांह मरोड़ के सिरसा नूं शामिल करवाया गया। गल हैगा ये कहिंदा हल्का झटका जोर से लगा, ठीक है, उन्होंने बहुत जोर ना लग्या झटका, इसलिए रौला पाते पे चीका मारते पे अकाली दल कि भाई ये बंदा जो इंटरनल जो वर्किंग वाला, क्यों अज तुम ये देखो कि एडा इंपॉर्टेंट बंदा छड़ के जा रहे तो कोई तो गल होनी है ना। दूजे पास गल करिए अरविंद केजरीवाल कहने, कहने जी कांग्रेस के 25 लीडर साढ़े चौन लिए तैयार है पर असी कचरा शामिल नहीं करना, एक एमएलए एमपी नु कचरा कहना की लगता सही शब्दों की वरतो? गल हैगा तुसी जिनी मर्जी वड्डी गल करो, जिनी मर्जी कौड़ी गल करो, पर शब्दावली तो जिहड़ी हैगी है वो जिहड़ी हैगी उहदे च शालीनता होनी चाहीदी है ना। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਗਏ, 15-20 ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੀਜੇਪੀ। ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਭੰਡ ਨਾਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ।